हेलो डियर एलगे फैमिली, ना वी गेट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे 30 जर्मन सिनोनिम्स। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं अपने 30 फेवरेट सिनोनिम्स डिस्कस करूंगी। सिनोनिम्स होते क्या हैं? ये ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो कि होते तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके मतलब सेम होते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाई थी जर्मन वर्ड ऑपोजिट्स पर, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वर्ड ऑपोजिट्स और सिनोनिम्स करने का फायदा ये होता है कि ये जाहिर करते हैं कि हमारी जर्मन लैंग्वेज पर अच्छी कमांड है, और स्पेशली हमें हेल्प करते हैं लेजन और ह्योगन की टास्क को सॉल्व करने में। जो लोस गेट्स। सिनोनिम्स पर जाने से पहले कुछ जरूरी बातें। एक तो ये कि इस वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको 10 नाउंस, 10 वर्ब्स और 10 एडजेक्टिव्स के सिनोनिम्स मिलेंगे। सेकंड ये कि ये जो सारे लफ्ज़ होंगे, इनके बहुत से मतलब हो सकते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि उनका कोई एक मतलब सेम होगा उस रेफरेंस से। डी टाट एक्ट या एक्शन को कहते हैं, और डी एक्टिविटेट एक्टिविटी, तो दोनों का मतलब कोई काम हो रहा हो तो उसको हम टाट या एक्टिविटेट कह सकते हैं। डिया गेडांके आइडिया कॉन्सेप्ट, और डी ई डे, ये भी आइडिया और कॉन्सेप्ट ही है। डे अपश्लुस और दस एंडे, दोनों का मतलब है कंप्लीशन, एंडिंग किसी चीज़ की। जैसे कि रिसेंटली मैंने अपना थीसिस सबमिट करवाया है, तो थीसिस को या फाइनल प्रोजेक्ट को कहा जाता है अपश्लुस आबाइट। दस एंडे भी एंड बिल्कुल इंग्लिश से मिलता जुलता है। एक्टिविटेट भी आपने नोट किया होगा, एक्टिविटी जैसा, और एंडे भी एंड। डेयर बेडाफ और दस बेडूफनेस, इन दोनों का मतलब है नीड, रिक्वायरमेंट, जरूरत के लिए इस्तेमाल होते हैं। डी खेंटनेस और दस विसन, इन दोनों लफ्जों का मतलब अगर हम जनरली बात करें तो नॉलेज है, लेकिन अगर आपको याद हो तो खेंटनेस वर्ब खेनन से है, और विसन का तो वर्ब विसन ही है। तो खेनन और विसन जब हम शुरू में लैंग्वेज लर्निंग करते हैं तो हमें समझ नहीं आती, और हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन इन दोनों का फ़र्क ये है खेनन का कि खेनन में हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, और विसन में हम किसी भी चीज़ की मालूमात लेना चाह रहे हों तो उसके लिए हम विसन यूज़ करते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि इन दोनों वर्ब्स की प्रेजेंट फॉर्म क्या है, इश वाइस और इश खेने। ठीक है, तो ये उन दोनों वर्ब से ये नाउन्स बनते हैं, तो नाउन्स में भी हल्का सा थोड़ा फर्क होता है। विसन अगर बात की जाए तो विसन जो है, विसन शाफ्ट, शायद आपको अंदाजा हो, साइंस को कहते हैं, तो वैसे इन दोनों लफ्जों का मतलब नॉलेज है। डेलोन और दस के हाल्ट, इन दोनों का मतलब है सैलरी, जो पैसे आपको कमाने के बाद मिलते हैं कोई काम करने के बाद। डेयर उलाउब और डी फेगियन, यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे कि उलाउब हमेशा एक सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, और फेगियन हमेशा प्लूराल के तौर पर। इन दोनों में फ़र्क यह है कि उलाउब आप तब करते हैं जब आप मोस्टली काम करते हों, और आप काम से ब्रेक लेकर रेस्ट करें या कहीं घूमने फिरने जाएं, और जो फेगियन है वो ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे स्कूल के या यूनिवर्सिटी के, और आपको कुछ टाइम ऑफ मिलता है, ब्रेक मिलती है, तो उन छुट्टियों को कहते हैं फेगियन। जैसे कि बहुत फेमस जर्मनी में जोमा फेगियन, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं जो कि हमें अपने मुल्कों में भी मिलती हैं। डी इंफॉर्मेशन और डी आउस्कुन्फ्ट, दोनों का मतलब इंफॉर्मेशन है। आउस्कुन्फ्ट का एक्स्ट्रा मतलब है इंक्वायरी डेस्क, जो कि आपको किसी भी बिल्डिंग, किसी भी इंस्टीट्यूट में मिलता है, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन किसी भी किस्म की ले सकते हैं, तो उसको भी आउस्कुन्फ्ट कहते हैं। डेयर उर्सप्रुंग और डी हेरकुन्फ्ट, ओरिजिन क्या है ना, किसी भी चीज़ का, किसी इंसान का ओरिजिन और बैकग्राउंड क्या है, तो उन दोनों के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, उर्सप्रुंग और हेरकुन्फ्ट। डेयर गेल्टबॉयटल और दस पोर्टमोने, इन दोनों का मतलब वॉलेट है जिसमें आप पैसे रखते हैं। कुछ वर्ब्स देख लेते हैं, टून और माखन,
दोनों का मतलब वैसे तो टू डू है, लेकिन ये याद रखिएगा कि शुरू में जब हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं तो इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मखन तो हम चेंज कर सकते हैं और वर्ब से, लेकिन चून कभी कभी ऐसे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में आता है कि आपको उनके साथ ही इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि एस टूट मिया लाइड, माइन कॉप्फ टूट वे, इस तरह। तो वो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के साथ ही आता है, लेकिन अगर वैसे आम तौर पर बात की जाए तो इन दोनों को टू डू के मतलब में इस्तेमाल किया जा सकता है। माइनन और बेडोइटन, इन दोनों का मतलब है टू मीन, मतलब ना, मेरा ये मतलब था, इश माइने आई मीन ना, और दस वर्ड बेडोइटेड, इस लफ्ज का मतलब और आगे जो भी मतलब है, ठीक है। शिकन और अबजेंडन, दोनों का मतलब भेजना है, पोस्ट करना, डिस्पैच करना, सेंड करना, ठीक है। एलाउबन और केस्टाटन, इन दोनों लफ्जों का मतलब है अलाउ करना, ग्रांट करना, किसी चीज की इजाजत दे देना, जैसे कि मेरे रेजिडेंट परमिट पर लिखा हुआ है एवियाब्स थेटिशकाइट गेस्टाटेट, तो उसका मतलब है काम करने की इजाजत है। फोबीगन और फजूहन, इन दोनों का मतलब है अटेम्प्ट करना, ट्राई करना। बेगातन और एम्फेलन, इन दोनों का मतलब है एडवाइस करना, नसीहत करना, सजेस्ट करना। ब्रेशन और गाइसन, इनका मतलब है टूटना। और बेकॉमन और ए हाल्टन, इनका मतलब है टू गेट, टू रिसीव, कोई चीज हासिल कर लेना। राइनिगन और जाउबा माखन, सफाई करना, साफ करना, टू क्लीन, टू टाइडी। जिश बे श्वेगन और जिश बे क्लागन, इन दोनों का मतलब है कंप्लेन करना, जैसे कि बेश्वेरे बगीफ कहते हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट, और डी क्लागे भी कहते हैं कंप्लेन को, तो बेश्वेरे और क्लागे इन दोनों से नाउन्स बन जाते हैं। अब कुछ एडजेक्टिव्स देख लेते हैं। काल्ट और कूल, ठंडा। येट्स्ट और नून, अभी। क्लूग, श्लाओ, क्लेवर, स्मार्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं दोनों वर्ड्स। बुंट और फाबिश, कलरफुल, रंगीले। लुस्टिश, स्पासिश, फनी। क्लाइन, विंसिश, स्मॉल। आइंजाम, अलाइन, अकेले। फ्रॉइंडलिश, हर्फलिश, फ्रेंडली, पोलाइट। सुजामन, केमाइंजाम, इकट्ठे। मंचमाल, आबुनसु, कभी कभी। तो ये थी हमारी सिनोनिम्स की लिस्ट, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको ह्योगन और लेजन में काफ़ी हेल्प करेगी इन केस के ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हों। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर मेरा चैनल और वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। अरे, मैंने तो आपको कभी मेंशन ही नहीं किया कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, अगर नहीं किया हुआ ऑब्वियसली। तो तब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पिस्तान।